बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं आज दिल्ली के जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं उनके जो मुद्दा है उसके बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। मैडम वैसे तो आज हाउस के अंदर चर्चा भी लगी हुई है, लेकिन ये कल मैंने 280 में लगाया था तो वो आ गया है, तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ उसके ऊपर। दिल्ली के अंदर लगभग 10,000 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं जो पिछले चार महीने से लगातार जो है वो अपनी मांग को लेकर जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। ये 1/11/2023 से ये लोग जो है लगातार जो है धरने पे बैठे हुए हैं। इन सबको जो है चार महीने पहले अचानक जो है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के जो है निकाल दिया गया, और तब से ये लोग धरने बैठे हुए हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मैडम वो लोग हैं जिन्होंने इस समय दिल्ली सरकार के अंदर 40 लगभग ऐसे विभाग हैं जिसके अंदर वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। वो पीछे स्टाफ में बैठ के काम करते थे, विंडो पे कहीं पे काम करते थे, कहीं पे SDM को असिस्ट कर रहे थे, कहीं के ऊपर जो है वो जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट हमारा वहाँ पर जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे। और इन्होंने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने जो है जब कोरोना आया तो उस समय जो है फ्रंट लाइन जो है कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी काम किया। दिल्ली सरकार की जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं थी जिसमें जैसे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसी योजनाएं थी, अन्य जितनी भी योजनाएं थी, हर जगह जो है इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन ये अभी पिछले चार महीने से बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो हैं वो सिविल डिफेंस एक्ट 1968 में इनका गठन हुआ, तब से ही जो है अलग अलग सेवाएँ अपनी दे रहे हैं और समय समय पर जो है संशोधन करके इस एक्ट में जो है इनकी सेवाओं को जो है जोड़ा गया। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी जो है इनको लाया गया है, वहाँ भी इनकी सेवाएं ली जा रही हैं। तो इस समय ये सभी वर्कर जो है बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। महीनों से इनके घर में राशन की, बच्चों की फीस की, अन्य सेवाएं जो हैं वो नहीं इनको मिल पा रही हैं। जैसा मैंने कहा कि आज सरकार जो है इस पे सरकार के द्वारा यहाँ पर विधानसभा के अंदर जो है चर्चा भी की जा रही है, और मुझे विश्वास है कि दिल्ली सरकार जो है बहुत गंभीर है इनकी समस्याओं को लेके, और आज की चर्चा और कल की चर्चा के बाद एक प्रस्ताव जो है वो जल्द ही LG महोदय के पास चले जाएगा जिससे इनकी समस्याओं को जो है हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया।